खबर अफजलगढ़ से, ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर वतन लौटे प्रतिभागी। इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके वतन वापस लौटे प्रतिभागियों का जोरदार स्वागत किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के तहत पोखरा शहर में आयोजित 5 दिवसीय इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप पर भारत ने कब्जा की जमाया। प्रतियोगिता के दौरान अफजलगढ़ के 2 युवक और 1 किशोर ने गोल्ड मेडल हासिल कर समूचे इलाके सहित जिले का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल विजेता नगर के मोहल्ला किला निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद अकबर, गांव सीरवा सुचंद निवासी शुभ चौहान पुत्र जोगेंद्र सिंह, हिदायतपुर निवासी लखवीर सिंह पुत्र विजयपाल सिंह का यहाँ पहुँचने का जोरदार स्वागत किया। ताइक्वांडो ट्रेनर और गोल्ड मेडल विजेता मोहम्मद आरिफ के मुताबिक अन्य साथियों सहित 19 जून से नेपाल के लिए रवाना हुए थे। यूथ गेम्स ऑफ इंडिया के बैनर तले प्रतियोगिता में शामिल हुए इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 पर बिहार की टीम के कब्जे सहित भारत को 4 और इनमें यूपी के बिजनौर जिला अंतर्गत अफजलगढ़ क्षेत्र को 3 गोल्ड मेडल दिए जाने का ऐलान किया। इसके बाद आयोजकों ने विजेताओं को बारी बारी से बुलाया, गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित करके पुरस्कृत किया। यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेपाल में काठमांडू में पोखरा में हमारी 24 जून को हमारी चैंपियनशिप हुई इंटरनेशनल ताइक्वांडो की। उसमें इंडिया के 4 गोल्ड मेडल निकले, जिसमें से 3 हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अफजलगढ़ के निकले हैं। ये लखवीर सिंह का 1 गोल्ड मेडल जो कि चौड़वाला हिदायतपुर से हैं, और शुभ चौहान कासमपुर गढ़ी से, लखवीर सिंह चौड़वाला हिदायतपुर से, मैं अफजलगढ़ से, और हम तीनों ने गोल्ड मेडल निकाले। टोटल गोल्ड इंडिया के 4 निकले, 1 नागालैंड का और 3 उत्तर प्रदेश के। खबर भारतवर्ष के लिए अफजलगढ़ से कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।